नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब पर। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपना बदला लेने के लिए बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था। जब ये प्लानिंग करता है कि मुझे इसराइल के ऊपर अटैक करना है, तो इसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है कि उस प्लानिंग को एक महीने नहीं, एक साल नहीं, पिछले जब वो खुद 20 साल का था और आज 58 साल का हो चुका है, तब से लेकर आज तक उसने उस प्लानिंग को तैयार किया और 7 अक्टूबर 2023 को इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ में अटैक करता है। 5000 रॉकेट जो है इसराइल के ऊपर दागे जाते हैं, जिससे इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फैल कर जाता है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है मोहम्मद दैफ। मोहम्मद दैफ जो है, जिसका जन्म 1965 के अंदर होता है, उसके मन में यानी कि जो बदले की भावना थी वो इतनी जबरदस्त थी कि हम लोग एक घटना के साथ में, फिल्म के साथ में उसको रेट करना चाहेंगे, और वो है फैजल। आप लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखी होगी, उसमें किरदार था फैजल, जो कि ये प्रण लेता है, ये अपने बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो आज हमारे ही इस लेक्चर के अंदर जो फैजल है वो है मोहम्मद दैफ। तो मोहम्मद दैफ जब वो खुद 20 साल का था, उसने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया और उसको एग्जीक्यूट 7 अक्टूबर को किया गया। लेकिन हालिया में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके तहत उसकी प्लानिंग जो है वो और जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी थी। अल अक्सा मॉस्क जो है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मई 2021 के अंदर इसके ऊपर एक टेरर अटैक होता है, पूरी मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, बहुत सारे लोगों की मौत जो है यहां पर होती है। इससे मोहम्मद दैफ जो है काफी आहत होता है और वो सोचता है कि मैं जो है इसके लिए बदला जरूर लूंगा इसराइल से, और वो एक मास्टर प्लान जो है तैयार करता है। यहां तक कि ईरान जो कि फिलिस्तीन का बहुत, यानी कि हमास जो ग्रुप है उसका काफी नजदीकी है। ईरान का कहना यह है कि जब ये प्लानिंग हो रही थी तो हमको भी खबर नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ईरान को भी इसके बारे में कुछ भी अता और पता नहीं था, इसीलिए जो है ये हमला बहुत जबरदस्त जो है वो माना जा रहा है। अगर हम लोग इस व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत छिपा हुआ व्यक्ति है। आज तक इसकी कोई भी फोटो जो है वो रिलीज नहीं हुई है। जब ये खुद 20 साल का था तब एक फोटो जो है वो सामने निकल कर आती है, हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को वो फोटो कौन सी थी। और आज जो है जब ये 58 साल का हो चुका है, तब जाकर जो है प्लान को एग्जीक्यूट करता है। मोहम्मद दैफ जो है वो मई 2021 के अंदर ये सोचता है कि यार अल अक्सा मॉस्क जो है इसके ऊपर अटैक हुआ है, तो मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। उस समय जो है बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं, 1200 लोग के आसपास जो है इसमें मारे जाते हैं और 2700 लोग जो है वो इसके अंदर घायल होते हैं। एक देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर जब कोई घटनाक्रम होता है तो उससे जुड़े हुए लोग जो है वो उससे काफी ज्यादा आहत भी होते हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें दो दिमाग लगे हैं, जबकि एक मास्टर माइंड है। दो दिमाग किस किस का है? मोहम्मद दैफ, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एक कमांडर है, किसका? हमास रेडिकल ग्रुप का। ऑलरेडी यूएसए ने इसको एक आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित कर रखा है। इसके साथ में ही याया सिनवार जो है, ये दो लोग हैं जिन्होंने इस प्लान को तैयार किया, लेकिन एग्जीक्यूट करने के अंदर जो इसका आर्किटेक्ट ऑफ अटैक जो है वो माना जा रहा है मोहम्मद दैफ को। एक वॉइस कॉल जो है वो लीक होती है, जिसके अंदर मोहम्मद दैफ ये कहता हुआ दिखाई देता है कि बहुत लंबे समय से गाजा पट्टी को चारों तरफ से जो है घेर रखा था इसराइल ने, और आज हम लोग को ये मौका मिला है कि हम लोग ये पश्चिमी देशों को दिखा दे कि गाजा पट्टी या हमास ग्रुप जो है वो सोया नहीं है, अब तक जाग रहा है, हमारी आवाज जो है वहां तक पहुंच जानी चाहिए। जब मई 2021 के अंदर अल अक्सा मॉस्क पर घटना होती है, उसके बाद में इसराइल ये सोचता है कि अब जो है हमास ग्रुप पूरी तरीके से जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा, जबकि ये दिखाया गया कि गाजा पट्टी का जो विकास करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के अंदर हमास ग्रुप जो है वो लग गया है, अब जो है कोई भी घटनाक्रम नहीं होने वाला है। ये तमाम बातें जो है वो मोहम्मद दैफ ने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो जाहिर की थी। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत जबरदस्त हमला जो है वो देखने को मिलता है। आप लोग इस कहानी को और अच्छे से रिलेट कर सकें, सबसे पहले हम लोग हिंदी के अंदर जो है आप लोग को इसके साथ में रिलेट करना चाहेंगे कि कौन है मोहम्मद दैफ। तो दैफ जो है 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का जो है वो हेड रहा है। वहां पर जितनी भी ट्रेनिंग देना है, क्या गतिविधि करना है, क्या प्लानिंग लेनी है, उसका जो हेड है वो मोहम्मद दैफ रह चुका है। मोहम्मद दैफ जो है 1965 के अंदर गाजा के खान यूनिस कैंप के अंदर जो है इसका जन्म होता है। उस समय गाजा पर इजिप्ट का, मतलब मिश्र का अधिकार था। मिश्र 1967 के अंदर सबसे पहले, जब सिक्स डे वॉर हुआ था, तो सबसे पहले इसराइल के द्वारा इजिप्ट को ही हराया गया था, ठीक है। तो उस समय जो है इजिप्ट का अधिकार था। 1950 के अंदर, 1950 के अंदर जो मोहम्मद दैफ के पिता थे, उन्होंने भी इसराइल के अंदर घुसपैठ की थी और हमला किया था इसराइल के ऊपर। बचपन से ही उसने अपने रिश्तेदारों को फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते हुए देखा था,
देखिए ये हम लोग कहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो माहौल होता है हम लोग भी वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए संगत बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो फिलिस्तीन की लड़ाई करते हुए अपने रिश्तेदारों को देखा, देफ ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बेसिकली ये साइंस फील्ड से जो है पास आउट है, इसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी और काफी अच्छी जो है वो पढ़ाई इसने कर रखी है। 20 की उम्र के बाद देव की कोई तस्वीर जो है वो सामने निकलकर नहीं आई है। हमास की स्थापना 80 के दशक के अंत में हुई थी, तब देव की उम्र जो है वो महज और महज 20 साल की थी। वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी जो विद्रोह है इसकी शुरुआत होती है। तो गाजा पट्टी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, जब ये विवाद शुरू हुआ था तब ये महज और महज 20 साल का था। इस दौरान देव को आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार जो है ठहराया जाता है। मतलब उस समय जब ये 20 साल का था उस समय ही इसको एक जो बम विस्फोट होता है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसके बाद 1993 के अंदर इसराइल और फिलिस्तीन से हजारों मील दूर अमेरिका के अंदर एक समझौता होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं ओस्लो समझौता। देखिए आप लोगों ने एक अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका नाम भी सुन रखा होगा। अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल को जो है एक देश की मान्यता दी जाती है, लेकिन एक ऐसा ही अकॉर्ड है जिसको हम लोग कह रहे हैं ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड जो है 1993 में होता है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, जो कि अमेरिका में होता है। उसके अंतर्गत ये डिसाइड होता है कि फिलिस्तीन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको मान्यता दी जाती है। इसराइल ये कहता है कि हम लोग पीएलओ जो है इसको मान्यता देते हैं और फिलिस्तीन की एक आवाज के रूप में हम लोग इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन ये बात जो है वो हमास ग्रुप को स्वीकार नहीं होती है कि पीएलओ कौन होता है इस चीज को प्रतिनिधि करने वाला, और इसीलिए उस समय से ही जो है वो हमास बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसका कहना था कि फिलिस्तीन को वो सारी जमीन वापस जो है वापस की जानी चाहिए। मतलब जो पहले से फिलिस्तीन के पास में जमीन थी अब वापस से फिलिस्तीन के पास में आनी चाहिए। इसराइल को उसको रखने का कोई भी अधिकार नहीं है जो उसके पास 1948, क्योंकि 1948 के अंदर ही इसराइल जो है देश के रूप में सामने निकल कर आता है, और 1967 के अंदर जब सिक्स डे वॉर होता है अरब देशों को वो हरा देता है, उसके बाद में बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपना प्रतिनिधित्व जो है अस्तित्व वो बनाकर चलता है इसराइल। ठीक है, ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इसराइल में एक अटैक हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। इस आरोप में भी देव जो है उस पर ये आरोप लगा था। ठीक है, ये है मोहम्मद देव। आज इसकी उम्र जो है वो 58 साल हो चुकी है। जब इसने ये प्रण लिया था यानी कि सबसे पहला इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये महज और महज 20 साल का था, और तब से लेकर आज तक जो है वो इसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारा जो है वो इसके अंदर मेहनत की थी। तो ये मोहम्मद देइफ है, ये केवल इसकी एक ही पिक्चर है जो कि अभी तक सर्कुलेट हो रही है, इसके अलावा कोई भी पिक्चर जो है वो मीडिया हाउस के पास में नहीं है। देइफ को 7 से ज्यादा बार मारने की कोशिश हुई है। आप लोग को पता है कि इसराइल की सबसे जो खुफिया एजेंसी है जो कि पूरी विश्व के अंदर जानी जाती है मोसाद इसका नाम है, उसने कई बार जो है इसको मारने की कोशिश की है। तो देव सालों से इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर जो है टॉप पर है। इसराइल 2021 में उसे 7 बार मारने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। अमेरिका का विदेश विभाग उसे आतंकवादी जो है वो घोषित कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक 2014 में जब इसराइल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष हुआ था उस दौरान देव ने ही हमास की आक्रामक रणनीति जो है वो बनाई थी। मतलब बहुत लंबे समय से ये जो है वो रणनीतियां बनाता हुआ आ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 2002 के अंदर ये जो है वो मिलिट्री विंग जो है उसको भी हेड करता है। 2014 में इजरायली सेना ने एक घर पर हमले कर देव को जान से मारने की कोशिश की थी, इसमें भी वो नाकामयाब रही और देव की पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी जो है वो इसमें मारी जाती है। मतलब इसके परिवार जो है वो उसके अंदर खत्म हो जाता है, और उसके बाद से इसके अंदर बदला लेने की जो क्षमता थी वो और ज्यादा विकसित हो जाती कि मुझे जो है वो आगे जाकर बदला लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये तमाम कहानी जो थी वो इसके बारे में कही जाती है कि मोहम्मद देइफ बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार कर रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा और मैं इसराइल के ऊपर जो है अटैक करूंगा। जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ समय पहले ही ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। एक खिलाड़ी है पाकिस्तान के, मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम की जीत को जो है वो डेडिकेट किया है किसको, गाजा को, और ये कहते हैं कि जो गाजा के अंदर जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, आज की जीत जो है उनको डेडिकेटेड है, और उसके बाद में ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। बाद में जो है ये कमेंट जो है वो शो नहीं होता है, है ना, आप लोग भी चेक कीजिएगा है कि नहीं है, लेकिन अब जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने जो है ये इसको क्या किया, वहां पे कमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो आईसीसी है ना उसकी तरफ से आता है कि यार आपको जो है अधिकार कैसे है कि आप पॉलिटिकल व्यूज के अंदर जो है वो पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है,
खैर इनका जो है इशू अलग है। आप लोग हमारे यूपीएससी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग कोर्स जो है लॉन्च किया गया है, कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोग को 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अगले 6 महीने के लिए कोर्स वैलिड है, आप हमारे लाइव आंसर राइटिंग कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आपके जो भी खामियां होंगी, जो भी कमियां होंगी वो दूर की जाएंगी, आपकी राइटिंग स्किल जो है उसको एनहेंस किया जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।